खुसूसी मेहमान लोग सामने तशरीफ फरमा, हमारे बुजुर्गवार नौजवान साथी और देश के नौनिहालों, आज ये बड़ी खुशी का मौका है, एक ऐसा मौका जिसको अपने जहन में बहुत सालों पहले, इन बच्चों को चुप कराओ, अरे बच्चों चुप कराओ, इनको डिसिप्लिन सिखाओ। मैं अपने अध्यापक बंधुओं से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा माहौल को असब अव्यवस्थित ना होने दें। दोस्तों, आज जो ये जलसा मना रहे हैं उसके केंद्र बिंदु में, उसकी बुनियाद में हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मोहतरम डॉक्टर अतीक अहमद को, जिनके मन में, जिनके जहन में कभी आया था कि हम इस सारा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और विशेषकर लड़कियों के लिए तालीम की एक ऐसी स्कीम ले आएंगे, एक ऐसे मदरसे को लगाएंगे जिसमें पढ़ लिख कर लड़कियां आगे बढ़े, अपने परिवार को संभाले, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। जैसा कि इस मदरसे का नाम ही है दारू बन्नार, दारू का मतलब होता है घर और बन्नार का मतलब है लड़कियां, यानी लड़कियों का घर। कितना प्यारा नाम, क्या गजब का सोचा डॉक्टर अतीक अहमद ने और उनके साहबजादे मोहम्मद हसनैन साहब, दो बखूबी इस मदरसे को अपने शिक्षक साथियों के साथ संवार रहे हैं, एक अच्छी तालीम दे रहे हैं और उसी की परिणति है, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ बैठकर एक दूसरे को सुन और सुना रहे हैं। मैं उस शख्सियत को अपने दिल की गहराई से शुक्रिया करना चाहता हूं जिसका बहुत ही प्यारा नाम, जो हम सब के मोहतरम, जिनके लिए हमारे दिल में बड़ा एहतराम है, वाजिद साहब हमारे चाचा। निश्चित रूप से उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और अपने भाइयों में जो एक लाख मोहब्बत रखकर समाज के लिए उनके दिल में काम करने की, खिदमत करने की भावना थी, जज्बा था, ये उसका परिणाम है ये मदरसा। और डॉक्टर नफीस अहमद जो हमारे शिष्य रहे हैं और चिकित्सा सेवा में अच्छा योगदान दे रहे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। दोस्तों, विद्यालयों की स्थापना करना बड़ा कठिन काम है और उससे भी ज्यादा कठिन, उससे भी ज्यादा मुश्किल इसको चलाना और उससे भी ज्यादा मुश्किल अच्छी तालीम देना। जानते हैं ये विद्यालय जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री था, वो कहता था कि विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है, ये विद्यालय हमारे समाज की रीतियां, परंपराएं, मान्यताएं, भाईचारा, समरसता, लोकरूढ़ियां, समता, समरसता, एकता, अखंडता, जितनी भी भावनाएं होती हैं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी मूल्य हैं, उन सबको संजोने और उसके पोषण करने का काम करता है। फ्रावेल बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, आप लोग एक शब्द पढ़ते होंगे केजी, कि हमारा बच्चा केजी में है, कैमरा बैठ गया चार्ज के लिए। केजी फ्रावेल महोदय की देन है, उन्होंने केजी का अर्थ होता है किंडर गार्टन, किंडर गार्टन यानी बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा।